हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि वन प्लस नोट सी ई थ्री लाइट 5G फ़ोन में आप लोग ऑटो टच प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में जो है ऑटो टच प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, ऑटोमेटिकली जो है टच काम करने लग रहा है, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये बैक हो जा रहा है, मतलब आपके फ़ोन में जो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन चलने लग जा रहा है, तो इस ऑटो टच प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑटो टच प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का, तो इस एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एक्सेसिबिलिटी का, तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते गाइस एक विजन का ऑप्शन होगा, विजन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक टॉकबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, टॉकबैक पे क्लिक करेंगे। अगर आपके फ़ोन में जो है टॉकबैक का ऑप्शन ऑन होगा तब भी आपके फ़ोन में ऑटो टच प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में जो है ये टॉकबैक मोड ऑन है तो इसको यहाँ पर से ऑफ़ कर दीजिए। अगर आप लोगों को टॉकबैक मोड को ऑफ़ करना नहीं आता है गाइस, तो मैंने पहले वीडियो बना के दे रखा है, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो टॉकबैक मोड ऑन होने के बाद भी आपका ऑटो टच प्रॉब्लम होता है गाइस, इसलिए इसको ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को अपने टेम्पर ग्लास को निकाल देना है गाइस। अगर आपके फ़ोन में टेम्पर ग्लास लगा हुआ है तब भी आपके फ़ोन में ऑटो टच प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गाइस टेम्पर ग्लास लगाने के बाद अगर आपका फ़ोन थोड़ा भी गीला होगा या आपका उंगली भी थोड़ा सा गीला होगा और आप लोग टच करोगे तो आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है टेम्पर ग्लास को निकाल के एक बार चेक कर सकते हैं, आपका जो ऑटो टच प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने वन प्लस नोट सी ई थ्री लाइट 5G फ़ोन में ऑटो टच प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।